नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की आप लोगों साथ में शेयर करेंगे कि प्याज को कैसे छीलें और आपकी आंखों में ना लगे। तो उसके लिए आप लोगों बताएंगे जो कि आपकी आंखों में प्याज ना लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि प्याज को थोड़ी देर पहले छील के रख देना है, करीब आधा घंटे पहले छील के रख देना प्याज, और फिर कटिंग करना है तो आपकी आंखों में नहीं लगेगी, उसका जो रस है वो निकल जाता है। और इसमें आप लोगों दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसके लच्छे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसके लच्छे निकाल लेंगे प्याज के। ये लच्छे हम प्याज के लच्छे निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम प्याज का स्लाइस बनाना है। ये देखिए, आपकी आंखों में बिल्कुल भी प्याज नहीं लगेगी अगर आप आधा घंटे से 20 मिनट के पहले प्याज छील के रख देते हैं, फिर कटिंग करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, आपको रोना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसके स्लाइस या लच्छा जो भी करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। और आप लोग 5-6 प्रकार की कटिंग दिखाएंगे। ये चॉपिंग, इस तरीके से आप चॉप कर सकते हैं भाग। और ये हमने चारों तरफ से प्याज को काट लिया है, ये देखिए। और अब इसको हम कटिंग करेंगे। इसको इतनी बारीक काट सकता हूं मैं कि आप आंखों में भी डाल सकते हैं प्याज के लिए। बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा हमने ये चॉपिंग करी है, बट आपको नॉर्मल चॉपिंग दिखा रहा हूं मैं, इतनी फाइन चॉपिंग कर सकता हूं। और आप लोग भी कर सकते हैं ये ट्रिक आजमा के, इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं कि फाइन चॉपिंग। ये देखिए, ये हो गई चॉपिंग। और ये देखिए, इस तरीके से काटना है, 1-2 स्लाइस करना है और फिर आपको प्याज काटना है, होगा आपका हाथ कट जाएगा। ये देखो, जो हमारी उंगली है प्याज को पकड़ रखा जिससे हमने, उससे ऊपर नाइफ नहीं उठना चाहिए। ये देखिए, ये 1-2 और ये हमारी डाइस मतलब क्यूब, इस तरीके से काट लेंगे। 1-2 करे, 2-4 करे, अरे हमारे क्यूब में कट जाएगी। अब इसका हम बनाएंगे, ये देखिए, जैसे कि आपको पनीर टिक्का बनाना है या कोई भी टिक्का बनाना है उसमें जो कि आप लोगों लगाना है, तो इस तरीके बड़े बड़े की प्याज जिसको आप लोग बना सकते हैं। इस तरीके से आप लोग टमाटर और प्याज और कैप्सिकम काट सकते हैं जो हम उसमें लगाएंगे, पनीर टिक्का या कोई भी टिक्का हम बना रहे हैं उसके अंदर जो हम लगाते हैं। ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च, तो इस तरीके से कैप्सिकम को काट लेंगे
इसकी कटिंग का, ये देखिए, तो इस तरीके से काट लेंगे जो कि हम तो उसमें तो टिक्का वगैरह में लगाते हैं। और एक क्यूब, किसी चीज में आपको क्यूब बनाना है तो आप इसके इस छोटे छोटे क्यूब कटिंग में काट सकते हैं, इसको क्यूब बोलेंगे। इस तरीके से साफ कर लेंगे, ये देखिए, ये क्यूब। इस तरीके से टमाटर को भी काट लेंगे क्यूब में। आप चाहते हैं कि इसका बीज निकाल के काट ले तो वो भी काट सकते हैं, अखा चाहे तो अखा भी काट सकते हो क्यूब में। झिंजर जूलियन कैसे करें, ये देखिए, इसको हम इस तरीके से छोटा हल्का हल्का हटा देंगे इसके जो है, या अच्छे से धो लेंगे और फिर इसका हम जूलियन कर सकते हैं, या इसको हम छील लें, हल्के हाथ से छीलना है, इसके सिर्फ छिलका निकालना चाहिए ऊपर का। इस तरीके से अच्छा झिंजर लेना है, अदरक सीधा, जिससे हम जूलियन लंबा लंबा काट सकते हैं, बारीक और पतला। और ये जो बचा है इसको हम चाय में यूज कर सकते हैं, टी में, या जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख सकते हैं इसका। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको काट लेंगे, पतली पतली स्लाइस काटेंगे पहले। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको जूलियन कर लेंगे। और आप लोगों बताया कि जब इस तरीके की हम कटिंग करते हैं तो हमारा नाइफ उठना नहीं चाहिए, उठेगा तो हाथ कट जाएगा। पहले ये देखिए, इस तरीके से हम इसको जूलियन कर लेंगे। और आप लोगों बताया कि जब इस तरीके की हम कटिंग करते हैं तो हमारा नाइफ उठना नहीं चाहिए, उठेगा तो हाथ कट जाएगा। स्मॉल क्यूब कटिंग, और जो हम पनीर टिक्का वगैरह में लगाते हैं इस तरीके से कटिंग करते हैं, उसके लिए बड़बड़ी करते हैं, इसको भी क्यूब बोलेंगे। और तंदूरी साल तंदूर में यूज करते हैं इसके लिए हम, या पनीर चिल्ली वगैरह के लिए डाइस में काटेंगे तो इस तरीके से हम डाइस काट लेंगे छोटे, और इसके एक के दो हो जाएंगे तंदूरी के लिए, हो जाएगा चाइनीज के लिए हो जाएगा डाइस। और ये हमारे जूलियन अदरक, इस तरीके से जूलियन कर लेंगे अदरक के लिए। अभी बहुत सारी कटिंग बताएंगे, बहुत सारी कटिंग बाकी हैं, से आप लोगों 3-4 प्रकार के कटिंग दिखाई इसमें, और कितने प्रकार की कटिंग होती वो आप लोगों बताएंगे हम अगले। उसमें हमने अभी इसमें जूलियन करा है, और जिंजर जूलियन करके दिखाया, ओनियन जूलियन, लच्छा ओनियन, लेमन स्लाइस, और इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, चॉप प्याज चॉप करके दिखाया। और तो चलिए, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और हमारी रेसिपी का आप, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों जो हमने कटिंग बताई आप लोगों कैसी लगी। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं कटिंग, बड़ी सुंदर सी, तो इस बात पे लाइक तो बनता है। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इस तरीके के वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएंगे।